क्या आपको पता है आप कितना कुछ अपने आईफोन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं? आप अपने मैसेजेस को नोट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, फोटोज़ आप फोटोज़ ऐप या वेबसाइट से ड्रैग करके नोट्स और मैसेजेस में ड्रॉप कर सकते हैं, सफारी से आप यूआरएल्स भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और आप फाइल्स जैसे कि पीडीएफ्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्स्ट मैसेजेस या व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं, और आप फोटोज़ में से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप मैसेजेस को कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप मैसेजेस ऐप में जाइए, फिर आप कोई भी एक मैसेज पे टैप एंड होल्ड करिए, फिर उसको थोड़ा सा ड्रैग करिए। अभी आपने मैसेज जब अपनी एक फिंगर से पकड़ लिया है तो आप दूसरी फिंगर से होम स्क्रीन पे जाइए, फिर आप नोट्स को ओपन करिए और यहाँ पे आप ड्रॉप कर दीजिए अपने मैसेज को। तो आपका मैसेज कुछ इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। आप मैसेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरे मैसेज में भी सेंड कर सकते हैं। तो आप फिर से मैसेज पे टैप एंड होल्ड करिए और उसको नीचे ड्रैग करिए। इसके बाद आप बैक जाइए और कोई दूसरी चैट ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। इधर से ये मैसेज आप दूसरी चैट में भी सेंड कर सकते हैं। आप कई सारी डिफरेंट जगहों से इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फोटोज़ ऐप में कोई भी एक इमेज को टैप एंड होल्ड करिए, फिर उसको मूव करें, फिर दूसरी फिंगर से होम स्क्रीन पर जाइए। इसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस या व्हाट्सएप ओपन करके वहाँ ड्रॉप कर दीजिए और वहाँ से आप इमेज सेंड कर सकते हैं। ये मेल और नोट्स में भी वर्क करेगा। मैं आपको नोट्स में ड्रॉप करके बताता हूँ। इमेज पर टैप एंड होल्ड, फिर इमेज को ड्रैग करिए, होम स्क्रीन पर जाइए, इसके बाद नोट्स ओपन करिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। आपकी इमेज नोट्स में आ जाएगी और ये मल्टीपल इमेजेस के लिए भी वर्क करेगा। फिर से कोई एक इमेज पर टैप एंड होल्ड, फिर उसको ड्रैग करिए, फिर दूसरी इमेजेस जो आपको शेयर करना है वो सेलेक्ट करिए, फिर होम पर जाइए और जहाँ आपको ड्रॉप करना है वो ऐप ओपन कर लीजिए, जैसे कि नोट्स या व्हाट्सएप। आप जैसे ही यहाँ व्हाट्सएप पर ड्रॉप करेंगे तो आपकी सारी इमेजेस सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इमेजेस को फाइल्स ऐप में भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप इमेजेस को वेब पेजेस पर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सफारी पर जाइए, इमेज पर टैप एंड होल्ड, फिर इमेज को ड्रैग करके होम स्क्रीन पर जाइए। मैं नोट्स ऐप में ड्रॉप कर रहा हूँ। टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप, मेल, कहीं भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। और जैसा कि हमने फोटोज में करा, सेम वे में आप वेब पेजेस पर से भी मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक इमेज पर टैप एंड होल्ड, फिर दूसरी इमेजेस सेलेक्ट करिए, ये भी मैसेजेस, नोट्स, मेल, व्हाट्सएप सब पर ड्रॉप कर सकते हैं। नोट्स में मैंने ड्रॉप करा है तो यहाँ सारी सिलेक्टेड इमेजेस आ गई हैं। आप इमेजेस और टेक्स्ट दोनों को एक साथ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। टेक्स्ट और इमेज को सेलेक्ट करिए, फिर टैप एंड होल्ड, फिर ड्रैग करके होम स्क्रीन पर जाइए। कोई दूसरी ऐप जैसे कि नोट्स, जहाँ भी आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ओपन करिए और ड्रॉप कर दीजिए, तो वो भी कॉपी हो जाएंगी और कम्प्लीटली वर्क करेंगी। आप वेब पेजेस के यूआरएल्स को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सफारी में जाकर नीचे जो एड्रेस बार है उस पर टैप एंड होल्ड, उसके बाद इसको आप ड्रैग करिए, होम स्क्रीन पर जाइए और कोई दूसरी ऐप जैसे कि टेक्स्ट या नोट्स को ओपन कर लीजिए और ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर लिंक ड्रॉप हो जाएगी और ये वेब पेज लिंक कम्प्लीटली वर्क करेगी। आप फाइल्स को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फाइल्स ऐप में आपके पास डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ्स हों तो आप उनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल फोटोज जैसे टैप एंड होल्ड, फिर उसको ड्रैग करिए ऊपर, उसके बाद होम स्क्रीन पर जाइए, फिर टेक्स्ट मैसेजेस में, नोट्स में या व्हाट्सएप में, जहाँ भी आप ड्रॉप करना चाहते हैं वहाँ ड्रॉप कर दिए। मैं व्हाट्सएप में ड्रॉप कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप में ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपकी फ़ाइल आप यहाँ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आपने टेक्स्ट मैसेजेस में ड्रॉप करी होगी तो आप टेक्स्ट मैसेजेस पर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के लास्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रिक पर। ये काफ़ी लोगों को पता होगी। आप कोई भी इमेज को ओपन करके सब्जेक्ट पर टैप एंड होल्ड करिए, फिर उस इमेज का सब्जेक्ट ड्रैग होगा। होम स्क्रीन पर जाइए, अब इसको लेकर नोट्स या मैसेजेस या कोई भी और ऐप जहां आप ड्रॉप करना चाहते हैं वहां ले जाकर ड्रॉप कर दीजिए। आप गूगल सर्च की इमेजेस में से भी सब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क नहीं करेगा। कोई भी इमेज पर जाइए, टैप एंड होल्ड और सेलेक्ट करिए कॉपी सब्जेक्ट, नोट्स या मैसेजेस में जाकर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, वो भी बिना इमेज को फ़ोन में डाउनलोड करे। अगर आपको और भी ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रिक्स पता हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।